ओमिक्रॉन और कोरोना के खतरे के बीच जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है। थोक महंगाई दर ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। थोक महंगाई दर 14.23% पर पहुंच गई है। ऐसे में महंगाई लगातार 8वें महीने चढ़ी है और ये 10% से ऊपर है। थोक महंगाई दर बढ़ने का मतलब ये है कि लागत बढ़ चुकी है और जिसकी मार आखिरकार जनता पर पड़नी तय है। अब तक जो महंगाई आम जनता की जेब पर चुभ रही थी, अब वही महंगाई आंकड़ों में दिखाई देनी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि पिछले साल के नवंबर में महंगाई दर सिर्फ 4.91% थी, जबकि अब ये 14.23% पर पहुंच चुकी है। सरकार का दावा है कि इसके पीछे खाद्य महंगाई दर, रसायन के अलावा खनिज तेलों, धातुओं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों से आया उछाल है। तेल की मार इकोनॉमी पर है और एक चौंकाने वाला आंकड़ा आया है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर पिछले 3 साल में 8 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। करीब करीब आधा तो सरकार ने पिछले 1 साल में कमाया है और सिर्फ वित्तीय वर्ष 2021 में सरकार ने 3.71 लाख करोड़ टैक्स जुटाया था।